कारोबार चमकाने के वजह से। जो शख्स तुलू है आफ्ताब के वक्त जब सन राइज हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ 300 बार पढ़े, अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ उसका गुमान भी ना होगा। और रोजाना पढ़ने से इंशाअल्लाहुल करीम 1 साल के अंदर अंदर अमीरो कबीर हो जाएगा। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर 35 बार लिखकर घर में लटका दीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम शैतान का गुजरना होगा और रिस्क हलाल में खूब बरकत होगी। अगर दुकान में लटकाएंगे और जायज कारोबार हुआ तो इंशाअल्लाहुल करीम दुकान भी खूब चमकेगी। एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया ने उससे पीठ फेर ली, फरमा क्या वो तस्बीह तुम्हें याद नहीं जो तस्बीह है फरिश्तों की मखलूक की जिसकी बरकत से रोजी दी जाती है। जब सुबह सादिक तुलू हो यानी फजर का वक्त शुरू हो तो ये तस्बीह 100 बार पढ़ा करो, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी, वो सभी चले गए। कुछ मुद्दत के बाद फिर हाजिर बारगाह हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इस कसरत से आई, मैं हैरान हूँ, कहाँ उठाऊँ कहाँ रखूँ।